आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाजी थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है ये ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आप कई बार गलती कर सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनकम टैक्स में कौन सा फॉर्म फाइल करना है, तो आपको इनकम टैक्स की नॉलेज मिल सकती है। सर हम पर तो नॉलेज है, हमें नहीं देखनी। भैया देख बार देख लो, हो सकता है क्या पता आप गलती कर रहे हो, कोई नई चीज पता लग जाए। एक चीज ये ध्यान रख लो कि अगर कोई काम सारे लोग कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक कर रहे हैं, वो गलत भी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। चलिए जी बात करते हैं। जब हम जीएसटी का नंबर लेते हैं तो हमारे पास आते हैं दो फॉर्म, एक आईटीआर 3 एक आईटीआर 4। अभी हम कंपनी और पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहे, अब इनमें से कौन सा फॉर्म फाइल करें। कुछ लोग क्या करते हैं, उनके क्लाइंट उन्हें देते हैं 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, 500 रुपए और वो आईटीआर 4 के अंदर 44AD के अंदर रिटर्न दिखाते हैं, अपना टर्नओवर दिखाते हैं, डेटर क्रेडिटर स्टॉक और कैश दिखा देते हैं और काम खत्म हो जाता है। बिल्कुल गलत कर रहे हो आप। मैं आपको बता दूं कि कई लोग इस फॉर्म को गलत फाइल कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से लेता हूं, एक व्यक्ति है जिसकी ना कमीशन इनकम है, उसे पता है कि उसका जो टीडीएस कटा हुआ है वो सेक्शन 194H में कटा हुआ है, कमीशन में कटा हुआ है, कमीशन इनकम है, एलआईसी का एजेंट है, वो क्या करता है आईटीआर 4 के अंदर रिटर्न फाइल कर देता है। नहीं भाई आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। सेक्शन 44AD बिल्कुल मना करता है कि अगर आपकी कमीशन इनकम है तो आप फाइल नहीं कर सकते। सर तो क्या हो गया, हम तो अदर सोर्सेज में डालते हैं और फाइल कर देते। भाई कल को फ्यूचर में नोटिस आ सकता है, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो अपने क्लाइंट्स को बताकर करो कि भाई कल को नोटिस आ सकता है, नहीं तो रिटर्न के लिए आपने 500 रुपए, 1000 रुपए, जब वो नोटिस आएगा तो लगेंगे 5000 रुपए, आपको दिक्कत हो सकती है। अब दूसरी बात समझो, दूसरी बात क्या गलती करते हैं आईटीआर 4 भरने वाले, आईटीआर 4 भरने वाले क्या करते हैं 3B की टर्नओवर लेते हैं या जीएसटीआर 1 की टर्नओवर लेते हैं और कहते हैं भैया टर्नओवर है हमारी 50 लाख रुपए। ध्यान से सुनना एग्जांपल को, 50 लाख रुपए टर्नओवर है लेकिन इस पे जीएसटी लगा हुआ है 9 लाख रुपए, तो वो क्या करते हैं जो 6% या 8% प्रॉफिट दिखाते हैं वो दिखाते हैं 50 लाख का, वो 59 लाख का नहीं दिखाते। तो ये एक बात मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर बहुत सारा डिस्प्यूटेड है, तो जहां पर डिस्प्यूटेड है तो अपने को चलना है सेफ पॉइंट को लेकर। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो कहता है भैया मैं तो 6% या 8% प्रॉफिट दूंगा, तो उसे आप बता देना भैया जो 6% और 8% की कैलकुलेशन होती है वो इंक्लूडिंग जीएसटी होती है। वो ये कहेगा भैया दूसरा सी ये तो या दूसरे प्रोफेशनल तो विदाउट उसके करते हैं, तो कह देना भैया कल को अगर नोटिस आ जाता है तो हम इसके जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सेक्शन 145A एक सेक्शन है, अगर आप इसे पढ़ते हो, सेक्शन 44AD को पढ़ते हो, कंबाइंड रीडिंग से अगर आप इस सेक्शन को पढ़ते हो तो भैया इस वाले केस में अगर आप 44AD ऑप्ट करते हो तो आपको 6% और 8% इस पर देना पड़ सकता है। सर आज तक हमारे को तो कोई नोटिस नहीं आया, आप तो बेकार की बातें कर रहे हो। भाई नोटिस नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तो इन सेक्शंस को पढ़ लेना, कल को फ्यूचर में नोटिस आ सकता है। जब भी गवर्नमेंट का खजाना खाली होगा आपको नोटिस भेज सकते हो, और अब तो नोटिस भेजने बिल्कुल सिंपल हो गए क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो गया है। तो सर इस वाले केस में क्या करें, तो इस वाले केस में मेरा सजेशन समझो, अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख है, अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख रुपए है और आप 6% या 8% से प्रॉफिट दिखाना चाहते हो तो आप 44AD मत भरो। सर क्या मतलब हुआ, हाँ जी ध्यान से सुनना इस बात को, आप 44AD भरो ही मत, आप क्या करो सिंपल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ और आईटीआर 3 भर दो। सर क्या मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, भैया बुक्स ऑफ अकाउंट तो आप बनाते ही हो ना, नहीं सर हम तो नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो सेक्शन 35 क्या कहता है, सेक्शन 35 कहता है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट तो वैसे भी बना लिए, अकाउंटिंग तो हमने वैसे भी कर ली, तो आप यहां पर आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करके अपने प्रॉफिट को 6% या 8% की जगह 2% 4% भी दिखा सकते हो, कोई मना ही नहीं है। अरे नहीं सर ऑडिट कराना पड़ेगा, ये गलत फहमी है। जब तक आपकी टर्नओवर अप टू ₹1 करोड़ है तब तक आपको 44AB में ऑडिट नहीं कराना है, लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। सर ये तो कंफ्यूजन हो गया, अब आप बताएं क्या करें, तो इस हिसाब से समझिए, अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख रुपए है मतलब कि अप टू ₹1 करोड़ है, तो दो ऑप्शन है आपके पास, कितने ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन, क्या ऑप्शन है आईटीआर 3 फाइल करो,
बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, आईटीआर 3 फाइल करो, जितना मर्जी प्रॉफिट दिखाओ, 2% दिखाओ, 1% दिखाओ, कोई ऑडिट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 50 लाख की टर्नओवर है, मतलब अप टू 1 करोड़ है, आप 44 एडी में दिखाना चाहते हो, 44 एडी में दिखाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने। लेकिन रिस्क क्या है, रिस्क क्या है, जो आप 6% या 8% दिखाओगे वो आपको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिखाना पड़ेगा। ये तो बात हो गई सर अप टू 1 करोड़, ठीक है, अप टू 1 करोड़ तक की ये सिचुएशन है। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से, ठीक है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, तो ध्यान रखना अगर आप 44 एडी लेते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कोई मना नहीं है। मिनिमम कितना प्रॉफिट दिखाना है, 6% और 8%, और अगर इससे कम दिखाना चाहते हो तब आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, सेक्शन 44 एबी में तब आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो गई तब आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो गई तब आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो यहां पर इस बात को समझना है, यहां पर इस बात को समझना है कि हमारे को जीएसटी नंबर अगर हमारे पास है तो हमारे को कौन सा फॉर्म फाइल करना है। यहां पर कुछ बातें आपको अजीब लगी होगी, नहीं लगी होगी, लेकिन ये बात सच है। आप आईटीआर 3 भर सकते हो अप टू ₹1 करोड़, आपको कोई ऑडिट नहीं कराना, प्रॉफिट जितना मर्जी दिखाओ, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने। अगर आप आईटीआर 4 फाइल करते हो, 44 एडी में जाते हो, तो ये बात आपको समझनी है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी आपको टैक्स लग सकता है, इसके ऊपर डिस्प्यूट है। तो यहां पर अपना सेफर साइड आप इस चीज को मानकर चलेंगे। ये बात क्लियर हो गई या नहीं? हाँ जी, ये बात एक और क्लियर कर लो, अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको भरना है 44 एडीए के अंदर। क्या भरना है? 44 एडीए के अंदर। अब यहां पर इस बात को समझना, एक प्रोफेशनल है, डॉक्टर साहब है, जिनकी 50 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है, 50 लाख रुपए की इनकम है। अब उनका क्या है ना, प्रॉफिट जो है, खर्चा कुछ है नहीं डॉक्टर साहब का, ठीक है, सिर्फ कंसल्टेंसी देते हैं, कोई दवाई कोई इंजेक्शन कुछ नहीं देते। 50 लाख रुपए की इनकम है, कोई खर्चा नहीं है भैया, कोई भी खर्चा नहीं है, या खर्चा मान लो 2 लाख रुपए है। क्लियर पता लग रहा है, 50 लाख रुपए आए, 2 लाख का खर्चा हो गया और 48 लाख रुपए की इनकम हो गई। तो क्या अब हमें इसमें 50% पे टैक्स देना है या 48 लाख पे देना है? तो भैया इन दो सेक्शन को समझ लो। कई लोग ये समझते हैं कि 6% 8% टैक्स दे दिया, जय राम जी की, अब हमें कुछ नहीं हो सकता, हमने कोवैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली। ऐसा नहीं है भाई, इस बात को समझ लेना। यहां पर लिखा हुआ है मिनिमम 50%, मिनिमम 6 और 8%। अगर आप अपने किसी क्लाइंट की बुक्स देख रहे हैं और आपको पता है कि उसका प्रॉफिट ज्यादा है, उसका प्रॉफिट ज्यादा है, तो यहां पर ज्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर करना, यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर करना, नहीं तो कल को नोटिस आ सकता है। नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है, भैया ऐसा है, इस बात को समझ लो। ये नहीं है कि आपकी 48 लाख की इनकम है और आप यहाँ पर 25 लाख दिखा दो, यहाँ पर ये गलत है। वो कहता है कि मिनिमम आपको इतना दिखाना है, ठीक है। अब ये मत समझना किसी की 1 करोड़ की सेल है, किसी की 1 करोड़ की सेल है और उसपे 40 लाख का प्रॉफिट है और वो 8% दिखाए और नक्की हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो मैं भी क्या करूंगा, कपिल जैन 1 करोड़ रुपया बैंक अकाउंट में डालूंगा, 6% प्रॉफिट दिखाऊंगा और जयराम जी की हो जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ पर आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये 6% और 8% आपका जेन्युइन है। सर बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करे नहीं, भाई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करे वो बात ठीक है, लेकिन आपको अपनी टर्नओवर को तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। कल को मैं 1 करोड़ रुपया डाल दूं अपने बैंक अकाउंट में और कह दूं मेरी प्रोविजन स्टोर है, परचून की दुकान है, 6% 8% टैक्स ले लो, मेरा तो 1 करोड़ रुपया जो ब्लैक का था वो व्हाइट में बन गया, कितने परसेंट टैक्स पे? 6% और 8% की इनकम दिखाकर। ऐसा नहीं कर सकते आप, इस बात को यहां पर समझ लो। अगर आप यहां पर टर्नओवर दिखाओगे तो आपको टर्नओवर को जस्टिफाई करना पड़ेगा, इस बात को समझ लो। अगर प्रॉफिट आपका ज्यादा है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। वैसे मैं इनकम टैक्स की वीडियो बहुत कम बनाता हूं, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ये आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ चीजें आपको पता लगी या नहीं। अगर आपको मेरी किसी भी बात पर डाउट है तो एक बार सेक्शन 44 एडी को पढ़ लेना, सेक्शन 145 ए को पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, जो कि आपको दिक्कत आ सकती है। अगर अभी तक दिक्कत नहीं आई, आप यहां पर सेफ प्ले में हो, लेकिन कल को दिक्कत आ सकती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपका क्या ओपिनियन है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। और एक चीज और ध्यान से समझ लो कि अभी हम इस संडे को हमारा वेबिनार है इनकम टैक्स का, आपको पता लग जाएगा क्या टॉपिक है, टीडीएस के बारे में बात करेंगे। अगर किसी ने हमारी इनकम टैक्स या आरओसी की पेन ड्राइव
हालांकि मैं इसका ऐड बहुत कम करता हूँ, आज पहली बार बता रहा हूँ। इनकम टैक्स, टीडीएस, बैलेंस शीट, आरओसी की अगर पेन ड्राइव आपको लेनी है तो आप ये परचेज कर सकते हैं, आप ये चीज ध्यान रखें। और अगर आपको हमारी जीएसटी की पेन ड्राइव लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। और आप मुझे बताएं क्या ये सारी चीजें हम अपने जुलाई के एडिशन में दे दें, एफएक्यू में, इनकम टैक्स में? अगर आप चाहते हैं तो हम जुलाई एडिशन में ये चीज दे देंगे। अगर आपने हमारी मैगजीन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर ये वाला है। और आप ध्यान रखिएगा, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए, जो लोग कह रहे हैं सुन रहे हैं उनकी बातों पर ना जाइए, अपने आप को पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ चीजें पढ़ें। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।